जय हिंद दोस्तों, मैं उस बोल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूँ। आप लोगों में अपनी एक छोटा सा एक मुद्दा लेकर के हाजिर हूँ भाई। जैसा कि काफी दिन से हरियाणा में पंचायत के चुनाव को लेकर के काफी कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी ये अपील कभी वो अपील। तो अभी लास्ट में कुछ दिन पहले, 2-4-5-7 दिन पहले एक आपका यहाँ पर आयोग बैठाया गया और उस आयोग ने कोर्ट के आदेश से एक आयोग बैठाया गया और मुद्दा क्या था कि पंचायत में आरक्षण का मुद्दा क्या था आपका, पंचायत में आरक्षण का। न्यूज़पेपर में भी न्यूज आई है, काफी कुछ हुआ है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि ये होने वाला क्या है। आज आपकी 14 तारीख है शायद, मे भी कल परसों में एक आध दिन में आपका ये जो आरक्षण वाला जो मुद्दा बीसीए का जो आरक्षण, जैसे कि मैंने लिखा भी है, हरियाणा में पंचायत राज में बीसीए का एको आरक्षण, तो इसमें इसको लेकर के काफी स्टूडेंटों ने काफी कुछ लोगों ने मेरे से एक बार पूछने की कोशिश करी कि क्या सर आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो मैं उसी टॉपिक को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं भाई, एक बार बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखिए समझने वाली बात है कि है क्या। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बात करूं, मैं कुछ है ना थोड़ा सा आपको एक बार पंचायत के बारे में बता दूं। पंचायत सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, मोटी मोटी बात यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो पंचायत की अगर बात बताने वाली हो तो कम से कम मिनिमम 2 घंटे चाहिए यहाँ पे, बट इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। थोड़ा सा बताऊंगा कि पंचायत सबसे पहले देश में पंचायत जो आपकी बनी थी तो किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू है आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, इन्होंने पंचायत को आपका क्या क्या ईजाद किया, कब किया भाई आपका, तो ये 1959 में, और वो भी कब आपका भाई, 2 अक्टूबर 1959 में इन्होंने एक पंचायत बनाई। कहां पर बनाई आपकी, तो राजस्थान के अंदर उद्घाटन किया, राजस्थान में भाई, कहां पर, राजस्थान के और नागौर डिस्ट्रिक्ट में, कहां पर आपका अगर पूछे आप लोगों से तो नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव आपका, गांव भी पूछे तो आपका कौन सा गांव है, बगदरी जो गांव है यहां पर इसका क्या किया गया, एक स्थापना की गई, पहली बार देश के अंदर पंचायत की यहां पर बात की गई भाई। ठीक है, अब सबसे पहले बात दिमाग में ये आनी चाहिए कि पंचायत की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अब वास्तव में लोकतंत्र बनाने के लिए, वास्तव में लोग, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता की हो, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट है आपकी, वो क्या कहलाती है आपकी, लोकतंत्र, वो सिस्टम क्या कहलाता है आपका, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को वास्तव में लोगों तक पहुंचाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को स्प्रेड करने के लिए, लोकतंत्र को, लोकतंत्र जो है आपका लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी कि या लोकतंत्र को बखेरने के लिए, या आम आदमी को, आम आदमी जो आम आदमी है वहां तक लोकतंत्र की पहुंच को बनाने के लिए ये एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या रख दिया गया, पंचायत रखा गया। वैसे तो कई बार पूछते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे, बट मैं खाली सिर्फ आज हरियाणा की बात करूंगा। आगे चल करके क्या होता है, जैसे जैसे फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 92 में 93 94 हरियाणा में हम पढ़ते हैं भाई, 94 में दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि संविधान के अंदर दर्ज किया गया। आरंभ में क्या किया गया था कि भाई कोई राज्य अपनी मर्जी से इसको लागू करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, उसकी मर्जी है। बट धीरे धीरे जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो धीरे धीरे सभी स्टेटों ने इसको लागू कर दिया। जैसा कि आप लोगों को एक चीज और पता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यहां जो संघीय सरकार के अंदर आपका 2 प्रकार की सरकार काम करती है, एक आपका क्या, आपका केंद्र के अंदर संसद काम करता है, दूसरा आपका राज्य के अंदर आपकी विधानसभा काम करती है। उसी प्रकार से आपके सबसे निचले लेवल पर अगर लोकतंत्र का सबसे छोटा रूप अगर हमें देखने को मिलता तो कहां पर मिलता, हमें पंचायत के अंदर देखने को मिलता है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात करी, क्या किया भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पंचायत थी उसको राज्य सूची के विषय में डाल दिया कि राज्य पूर्ण रूप से आजाद है, अपने लिए पूर्ण रूप से आजाद है, राज्य की पंचायत व्यवस्था में कौन से नियम और कानून बनाता है। अब इसका एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, कोई राज्य कैसे राज्य सूची का विषय, तो यहां पर राज्य कौन सा राज्य था, राज्य था जिसने किसको, शिक्षा को पंचायत में लागू किया, कौन सा राज्य था जिसने शिक्षा को पंचायत में लागू किया या नेसेसरी किया, पंचायत में लागू किया, तो राज्य आपको पता कौन सा राज्य था, राजस्थान था भाई,
राजस्थान था जिसने शिक्षा को अपनी मर्जी से पंचायत में लागू कर दिया कि भाई जो आठवीं पास है या जो आपके जनरल के 10वीं पास है वही आपके क्या लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो शिक्षा को लागू किया, ये हमें ये दिखाता है कि राज्य स्वतंत्र है। उसके बाद दूसरा राज्य आपको पता है कौन सा था, हरियाणा। इसके बाद हरियाणा ने भी एजुकेशन को पंचायत में लागू कर दिया। ठीक है, यहां तक ये थोड़ा सा क्या था इसका इतिहास था पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ भाई। हरियाणा में लगभग अगर मैं बात करूं तो 6,228 पंचायतों पर चुनाव होने, जो कि पहले ही आपके तकरीबन 1.5 से 2 साल के आपके ये डिले हो चुके हैं। आपको पता है कि पंचायत की अगर मैं बात करूं, देखिए पंचायत अगर आपकी बात करते हैं तो पंचायत का कार्यकाल आपको पता है, कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष होता है भाई, 5 वर्ष होता है। ठीक है, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। 5 वर्ष हो चुके हैं, तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बना हुआ था और वो खास करके किस बात को लेकर के बना हुआ आपका, तो राज्य में जो बीसीए का आरक्षण। तो सबसे पहले बात करें 6,228 जो आपकी क्या है सरपंच बनने हैं या पंचायत है भाई यहां पर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सरपंच की बात करूंगा तो यहां पर सरपंच रहेंगे आपके, तो सरपंच कितने बनने वाले हैं, 6,228 आपके सरपंच बनेंगे। अभी यहां पर एक बात आई निकल करके कि भाई बीसीए को आरक्षण देना है। किसको आरक्षण देना है, मैं यहां पे ये बात नहीं करूंगा कि बीसीए कौन कौन है। अब तक क्या था कि एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था, अब यहां पर जो बात निकल करके आई आपकी वो आई बीसीए को आरक्षण की, कि भाई बीसीए को आरक्षण देना चाहिए। बात एक एक बड़े ध्यान से समझना भाई आप लोग, तभी समझ पाओगे कि ये है क्या। अब यहां पर गवर्नमेंट के सामने एक बिल रखा, इससे पहले आपकी दर्शन सिंह जो आपके क्या थे भूतपूर्व जो न्यायाधीश थे, दर्शन सिंह जो आपके न्यायाधीश थे, इनकी इनकी अध्यक्षता में, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किसकी, दर्शन सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। और वो आयोग जो आपका क्या करेगा, आपका 3 लोग इसके अंदर शामिल थे और ये आयोग एक रिपोर्ट सौंपेगा। दर्शन सिंह की अगर मैं बात करूं, पूर्व न्यायाधीश हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सीधा सा पूछेगा किसका, कौन सा आयोग का गठन किया, तो पिछड़ा वर्ग आयोग भाई, पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसका गठन किया और ये रिपोर्ट सौंप रहे हैं अभी अपनी, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और 1-2 दिन में आपके बीच में आ जाएगा आरक्षण। अब इन्होंने क्या बोला कि यहां पर जो आरक्षण देना है बीसीए को, बीसीए के जो आरक्षण की यहां पर जो बात कही गई है वो कितना भाई, 8% तक आरक्षण। अब इन द सेंस वी कैन से हम कह सकते हैं कि अगर आपका कितना 6,228 सरपंच हैं तो यहां पर क्या होगा भाई, आपके 8% के हिसाब से 498 जो सरपंच होंगे वो किसके रहेंगे, आपके बीसीए के रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि बीसीए को अगर जिस हिसाब से जो बिल पुट किया गया है, जो बिल रखा गया है, अगर उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है तो आपके बीच में बीसीए के जो आपके रहने वाले हैं कितने रहने वाले हैं, ये सरपंच रहेंगे आपके बीसीए के, सरपंच आपके कितने रहेंगे, तो ये 498 सरपंच आपके यहां पर बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात यहां पे एक और आती है, ये जो आरक्षण को लेकर के इस आयोग ने एक बात और भी कही है कि भाई आरक्षण कहीं पर भी आपका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी बात हुई है भाई। ठीक है, अब जब आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा तो यहां पे एक बड़ा शानदार सा आपका क्वेश्चन निकल करके आता है, यदि किसी गांव में, क्योंकि ये आपको आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, याद रखना किसके आबादी के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, अगर किसी गांव के अंदर, देखना भाई सिचुएशन आपकी एक सिचुएशन समझने वाली है, यदि किसी गांव में या किसी ग्राम सभा में एससी की जो आबादी है, एससी की आबादी जो है आपकी 50% से ज्यादा है या 50% है, तो क्या यहां पर बीसीए को आरक्षण दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर बीसीए को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपका क्या होगा, बीसीए को आरक्षण चाहे आबादी कितनी भी रहे, बीसीए को जो आरक्षण यहां पर क्या आरक्षण आपका नहीं मिलेगा, याद रखना भी नहीं मिलेगा यहां पे आरक्षण आपका बीसीए को। ठीक है, यदि यदि आबादी कैसी एससी की 50% से ज्यादा है तो यहां पर आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, कारण क्या है कि इसमें, और चाहे फिर यहां पर आबादी के आधार पर तो दे रहा, चाहे बीसीए की जो आबादी है, बीसीए की आबादी कितनी भी हो, यहां पर कोई मैटर नहीं करेगी, ये आबादी और ये जो आरक्षण है ये खाली किसको जाएगा, आपका
एससी को जाएगा, अनुसूचित जाति को जाएगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने यहां पर बात करी कि 628 को समझाने की बात करी है, 6228 आपके पंचायतें हैं, तो बीसी ए को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट किसने दी है, दर्शन सिंह ने दी है, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग है, आयोग जो गठन किया गया था आयोग का, उसके अध्यक्ष दर्शन सिंह है, ये पूर्व भूतपूर्व के आपके, ये भूतपूर्व आपके न्यायाधीश है भाई, न्यायाधीश है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, ये कहानी आपके बीच में है। अब बीसीए को 8% के हिसाब से कितने 498 यहां पर ये आपके मिल जाएंगे, लेकिन यदि कहीं पर एससी की 50% से ज्यादा आबादी है तो वहां पर बीसीए को आरक्षण नहीं मिलेगा, काफी पेच फंसे हुए हैं इसके ऊपर, देखते हैं कल परसों में क्या होने वाला, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद फिर मैं बात करूंगा कि खाली क्या सरपंच सरपंच को सरपंच सरपंच में बीसीए का आरक्षण है, नहीं मेरे मित्रों, सरपंच में नहीं है, आपके पंच के पद पर भी है, आपके ब्लॉक समिति में भी है, आपके जिला पार्षद में भी है, वो आरक्षण किस प्रकार से यहां पर बीसीए को मिलेगा उसकी मैं यहां पर बात करूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे की, चलिए भाई अब बात करते हैं, जैसे सरपंच की हमने बात कर ली, 8% जो आरक्षण मिला इससे कितना हुआ आपका 498 आरक्षण कितना मिल गया इनको, 8% है। ये मैंने यहां पे थोड़ी सी बात करी थी कि 50% से ज्यादा यदि आपके एससी के लोग हैं किसी ग्राम सभा में तो बीसी की कितनी भी आबादी रहे, यहां पर बीसी को ए को क्या नहीं मिलेगा, आपका आरक्षण नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं पंचों के आरक्षण की। अब पंचों का आरक्षण भी किसके हिसाब से, ग्राम सभा की आबादी के हिसाब से यहां पर दिया है इन्होंने, किसके हिसाब से भी आपका, ग्राम जो सभा है, ग्राम सभा की आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। यदि मान लिया किसी गांव के अंदर बीसी की आपकी, बीसी ए की जो आबादी है वो आबादी कितनी है, 20% आबादी है, कितनी आबादी है, 20% बीसी ए की आबादी है, बीसी ए की आबादी, याद रखना भाई, देखना किस प्रकार से आपको यहां पर पंचों में आरक्षण दिया जाएगा, पंचों को आरक्षण किस प्रकार से, यानी कि बीसी ए का, बीसी बीसी जो ए है उसका पंच जो रहेगा वो कैसे रहेगा, यानी कि कुल आबादी का आधा, यानी कि कुल आबादी की प्रतिशत का आधा, ग्राम सभा की आबादी की जो बीसी ए की आबादी है उस आबादी का प्रतिशत का आधा प्रतिशत है, प्रतिशत का आधा प्रतिशत। फॉर एग्जाम्पल यदि बीसी ए के, अगर मैं बात करूं 20% आबादी है किसी गांव के अंदर, फिर एक बार सुनना, यदि किसी गांव के अंदर, पंच की बात कर रहा हूं मैं, बीसी ए के संख्या टोटल कितनी है आपकी, 20% है, तो इस गांव में जो पंचों को जो आरक्षण मिलेगा, पंचों को जो पंचों को आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण करके छोड़ रहा हूं मैं यहां पर, तो कितने प्रतिशत मिलेगा, 10% यहां पर आरक्षण दिया जाएगा, पहली बात। अब 10% इसको एक एग्जाम्पल के साथ और समझ लेंगे आप लोग, देखिए अगर मैं बात करूं यदि, यानी पंच 10 पद है यदि किसी गांव के अंदर, यानी कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल मेरा गांव खुडाना है और इस गांव खुडाना के अंदर कितने पद हैं, 10 पद पंचों के हैं भाई, 10 पद क्या है, पंच है, यानी कि पंचों की संख्या कितनी है, 10 है, पंचों की जो संख्या है ये आपके बीच में है, पद पंचों की जो, पंचों की जो संख्या है 10 रही है, तो यहां पर बीसी ए के जो लोग हैं 10% 10 का अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि दो पंच आपके कैसे रहेंगे, दो पंच आपके बीसी ए के जो पंच रहेंगे वो कितने रहेंगे आपके, दो पंच यहां पर बीसी ए के बनेंगे। जिस प्रकार से आपकी, फिर मैं एक बार बात कर रहा हूं, जैसे सरपंचों का 8% आरक्षण आबादी के हिसाब से दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो पंचों का जो आरक्षण दिया गया है, यानी कि अगर 20% आबादी खुराना गांव के अंदर बीसी ए की है तो उसकी जो पंचायत के अंदर उसका आधा, यानी कि 10% जो पंचायत के अंदर पंच है वो यहां पर रहेंगे। एक एग्जाम्पल था आपका, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने समझा, यदि कि कुल जो टोटल है आपके 10 पद है पंचों के, तो यहां पर दो पंच आपके किसके हो जाएंगे, बीसी ए के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, ब्लॉक समिति की भाई, ब्लॉक जो समिति है, इस ब्लॉक समिति की अगर मैं बात करूं तो इसका भी जो आरक्षण है आपका, ये भी आबादी के आधार पर ही रहने वाला है, कैसे रहेगा देखिए, इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉक समिति के आबादी के आधार पर ही, अगर कुल ब्लॉक की कुल आबादी, जैसे पूरे ब्लॉक की कुल आबादी, यानी कि 30% आबादी आपकी क्या है, बीसीए है,
कैसी आपकी बीसीए है, तो यहां पर जो इस ब्लॉक में यानी कि जो ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं पूरे ब्लॉक में, जो वार्ड की बात करें, गांव ग्राम सभा की बात नहीं हो रही है यहां पे, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, आपकी ब्लॉक की बात हो रही है। मान लिया 30% आबादी बीसीए की है अगर पूरे ब्लॉक में, तो कुल सीटें कितनी आपकी सेम यहां पर कितनी हो जाएंगी आपकी, 15% सीटें बीसीए की हो जाएंगी भाई। कितनी सीटें होंगी आपकी, 15% सीटें यहां पर रह जाएंगी, ये ध्यान रखना। यदि मान लिया फॉर एग्जाम्पल बीसी यहां पर जो आपके ब्लॉक समिति में कितने 20 पद हैं, कितने पद आपके 20 पद हैं, तो यहां पर आपकी कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 3 सीट ये सी बीसी ए की यहां पर होंगी आपकी, कितनी 3 सीटें आपकी बीसी ए की यहां पर बन जाएंगी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से आपका पंचों का आरक्षण था उसी प्रकार से आपका ब्लॉक समिति का आरक्षण है, और उसी प्रकार से आपका किसका जिला परिषद का जो आरक्षण है वो भी आपका उसी प्रकार से है। देखिए जिला परिषद की अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पे ध्यान रखना आप, मान लिया जिला परिषद की बीसी आबादी जो है वो पूरा जिले की बीसी ए के आधार पर होगा, पूरे जिले यानी कि पूरा जो आपका जिला है पूरे जिले की आपकी बीसीए की जो आबादी है इस आबादी के आधार पर आपका इसका जिला जो परिषद है इसका आरक्षण रहेगा, जिला परिषद का आरक्षण यहां पर रहने वाला है। ठीक है, अब यहां पर जिला परिषद का आरक्षण कैसे रहने वाला है, देखिए इसको भी इस तरीके से समझेंगे आप लोग। मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिले में बीसीए की कितने प्रतिशत आबादी है, तो 25% यहां पर क्या है आबादी बीसीए की है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई, 25% आबादी है ध्यान रखना। और यहां पर 12.5% आरक्षण होगा, जिस प्रकार से यहां हाफ था यहां हाफ था, यहां पर भी आपका कितना हो जाएगा आपका 12.5% जो आरक्षण है ये आरक्षण यहां पर दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा बीसीए को महेंद्रगढ़ के अंदर भाई, है ना। मान लिया फॉर एग्जाम्पल है महेंद्रगढ़ जिला है, महेंद्रगढ़ जिले में 25% जो आबादी है वो किसकी आपकी बीसीए की है, तो 12.5% आरक्षण दिया जाएगा। मैं महेंद्रगढ़ का ही डाटा लेता हूं, मान लिया फॉर एग्जाम्पल महेंद्रगढ़ में 20 सीटें हैं आपकी किसकी भाई जिला पार्षद की, जिला पार्षद की सीटें कितनी है आपकी 20 है यहां पर, तो इसका 12.5 कितना बन जाएगा, यानी कि आपका 20 पार्षद सदस्य है तो 2.25 सदस्य है, कितने भाई आपके 2.25 जो सदस्य हैं आपके ये क्या रहेंगे बीसीए के जिला पार्षद यहां पर रहने वाले। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए आपके 20 में से 2 सदस्य आपके यहां पर, अगर ये संख्या आपकी 2.5 से ऊपर जाती तो शायद में भी यहां पर 3 सीट भी वो दे सकते हैं, लेकिन यहां पर आपकी सीटें कितनी रहेंगी 2 सीटें आपकी यहां पर रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मैंने थोड़ी सी बात पंचायत की करी है, ये कुछ ऐसा था कि लोगों की समझ से बाहर हो रखा था, ठीक है, कि किसका आरक्षण कैसा आधा कैसा पूरा, तो इसमें 3 चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि बीसीए के आधार पर आबादी के आधार पर ग्राम सभा की आबादी के आधार पर सरपंच और पंच, पहली बात 8% आरक्षण आपका सरपंच के लिए है आपका। उसके बाद पंच की बात करते हैं तो पंच का जो आरक्षण यहां पर है वो है आपका यानी कि कुल प्रतिशत का 0.5% यहां पर है आपका ब्लॉक समिति, आपका पंच ब्लॉक समिति और जिला पार्षद तक भाई। जिले में किसके ब्लॉक में किसके रहेगी, पूरे ब्लॉक की बीसीए की आबादी रहेगी, और जिले में क्या रहेगा पूरे जिले की बीसीए की आबादी यहां पर रहने वाली है, उसके प्रतिशत के आधार पर आप लोगों के यहां पर ड्रा निकलेंगे, उसके प्रतिशत के आधार पर आप लोगों की यहां पर क्या की जाएगी तो जो आपकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो ये था आपका भाई जो विषय था जो कि चर्चा में है, रोज चर्चा में है, कुछ लोग असमंजस में आ चुके हैं कि हम प्रचार करें या ना करें चुनाव का, तो अब आंकड़ा देख लेना भाई कहां पर बीसीए की सीटें नहीं है, जहां कहीं सरपंच के लिए मैंने बताया आप लोगों को 50% से ज्यादा अगर एससी के लोग हैं तो वहां पे बीसीए को आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। किसी भी कंडीशन में जो आपका आरक्षण है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा, और ये जो सारी की सारी सूचना सोर्स की बात करता हूं तो दैनिक भास्कर सोर्स है भाई, ठीक है, और उसके अंदर भी अगर वो सोर्स कहीं से लिया उन्होंने तो जो आपके दर्शन सिंह हैं जो आयोग के क्या है अध्यक्ष हैं, आपके आरक्षण आयोग के अध्यक्ष पूछ लेगा आप लोगों से, तो वो आपके दर्शन सिंह हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट ग्राउंड पे जाकर के सौंपी है और आंकड़ों का कलेक्शन हो रहा है। शायद में भी हो सकता है कि 15 तक आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ नई जानकारी आ जाए, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से जिस भी मुद्दे पर अगर आप लोगों को लगेगा कि यहां पर मुझे लगेगा कि ये जो मुद्दा है थोड़ा सा असमंजस है, इस पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, उज्जवल परिवार फिर आप लोगों के बीच में कोशिश करेगा। उज्जवल कोचिंग कैंपस सदैव आपकी सेवा में है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।